हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामे में एक यंग बॉय अपनी सीनियर से प्यार करने लगता है और किस तरह से वो स्ट्रेंजर से एक कपल बनते हैं, आइए जानते हैं इस ड्रामे में। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम होता है लिन, वो अपनी वेडिंग ड्रेस को कैंची से काट रही होती है और वो अपने बारे में बता रही होती है कि वो सैन चुआन से 6 साल से प्यार करती है। औरों की नज़र में वो उसकी सिर्फ एक असिस्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उसकी फियांसे भी है और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली है। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन का फियांसे सैन अपनी ही एक किसी क्लाइंट के साथ में फ्लर्ट कर रहा होता है और उसका वो मेजरमेंट लेते हुए फ्लर्ट कर रहा था, जिसको कि लिन देख लेती है। ये दोनों ही एक क्लोथिंग ब्रांड कंपनी में काम करते हैं जिसमें इसका फियांसे सैन एक डायरेक्टर की पोजिशन पे है और वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन सैन एक्सक्यूज़ देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डायरेक्टर की पोजीशन मुझे ऐसे ही मिल गई है, मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ हमें ये सब भी करना पड़ता है और तभी मैं इतनी आगे बढ़ पाया हूँ और ये वैसे भी मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। तो लेन उससे कहती है कि यानी तुम आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि मुझे धोखा भी दे सकते हो। तो सैन कहता है कि मैं बहुत जल्द प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन लिन उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन अपनी वेडिंग ड्रेस को काट रही होती है और उनके साथ के फोटोग्राफ्स को भी जला रही होती है। और फिर उस रात लिन एक बार में आती है और वो अकेले ही ड्रिंक करती है। अभी वहाँ पे एक आदमी उसे छेड़ने लगता है, जिससे कि लिन अपने आप को बचाती है और कहती है यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो आदमी तो उसकी बात नहीं मानता है। फिर अचानक से एक यंग बॉय वहाँ पे आता है और उस आदमी को डांट लगाता है और कहता है कि लड़की ने कह दिया कि तुम में इंटरेस्टेड नहीं, तो चले जाओ यहाँ से। वो आदमी वापस अपनी सीट पे चला जाता है और ये यंग बॉय जिसका नाम होता है सेजिन आके लिन के पास बैठता है और वो उससे उसके ड्रिंक का ग्लास ले लेता है। तो लिन उससे पूछती है कि तुम हो कौन, तो उसके बाद वो लिन उसे ऊपर से नीचे देखती है और फिर वो खुद ही से कहती है कि तुम तो एक बच्चे हो, और ये कह के वो वहाँ से चल देती है। लिन को अकेले जाता हुआ देख के बाकी जो बदतमीज आदमी थे वो एकदम से सतर्क हो जाते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं कि तभी वहाँ पे सीजन फिर से आता है और उनसे कहता है कि दूर रहो, ये मेरी बंदी है, तो वो पीछे हट जाते हैं। और इसी बीच में लिन चलती है लेकिन वो चल नहीं पाती नशे की वजह से, तो सीजन उसको होल्ड कर लेता है। तो लिन उससे कहती है कि देखो बच्चे, मैंने तुमको बोला है कि तुम घर जाओ, रात में बच्चों को बाहर इस तरह से नहीं घूमना चाहिए क्योंकि उनको गुंडे पकड़ सकते हैं। तो सीजन कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम सीजन है, तुम शायद मुझे पहचानती नहीं हो। तो कहती मुझे अभी इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे घर जाना है। ये कह के वो वहाँ से चलने लगती है, लेकिन तभी उसकी सैंडल टूट जाती है, जिसे देख करके सीजन को भी हंसी आ जाती है। अब लिन के पास तो कोई चारा नहीं होता है, तो वो उसी से कहती है कि ये बच्चे सुनो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजन लिन को पिगी बैंड राइड देता है और उससे साथ चलते हुए बातें करता है और वो उससे कहता है कि जीजी तुम्हें इतनी रात को बाहर आना नहीं चाहिए और तुम्हें इस तरह से अकेले ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो लिन उससे कहती है कि तुम मुझे जीजी मत कहो, और इसी बीच में वो सो जाती है। फिर सीजन उससे चलते हुए बोलता है कि जीजी हम कितने साल के बाद मिले हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं सिन के घर का, जहाँ पे लिन की नींद खुलती है और वो अपने आप को सीजन के घर पे पाती है और खुद को उसकी शर्ट में, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है और खुद से ही बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और सीजिन के घर से चुपचाप निकलने का प्लान करती है। और सीजिन अपनी पेट कैट के नाखून काट रहा होता है, साथ ही वो ये भी देखता है कि लिन जाग चुकी है और चोरी छुपे वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। तो सीजिन उससे कहता है कि तुम्हारा क्या ऐसे ही प्लान है चुपचाप निकल जाने का। तो लिन उससे कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ ये घर देखने आई थी, वैसे तुम्हारी बिल्ली बहुत प्यारी है और ये तुम्हारा घर ये भी बहुत अच्छा है, और अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। और वो वहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे सीजन पीछे से अचानक आ जाता है और लिन को दरवाजे के सहारे अपने हाथों से कैद कर लेता है और कहता है कि हमारे बीच कल रात जो भी हुआ, लेकिन लिन उसको चुप करा के बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों एडल्ट हैं तो हमें इस बात को भूल जाना चाहिए और कल रात जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, और वहाँ से कह के वो निकल जाती है। सीजन तो इसी बात पे खुश होता है कि चलो उसने उसे एडल्ट तो कहा। फिर अपनी ही बिल्ली से कहता है कि मुझे लगता है जीजी मेरे बारे में भूल चुकी है, लेकिन तभी वो देखता है कि बिल्ली वहाँ पर नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट डे लिन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग मॉडल्स का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि लिन ने कपल आउटफिट डिजाइन किया होता है और उसी का आज फोटोशूट होता है, और उसकी असिस्टेंट बताती है कि मॉडल्स नहीं आ पाएंगे। तभी वहाँ पर सीजन भी आ जाता है और वो लिन को हाय बोलता है, जिसे देखते ही लिन चौंक जाती है और उसके बिल्कुल पास आके बोलती है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो, तुमको मैंने कहा था जो भी कल रात हुआ है उसे भूल जाओ। तो सीजन उसको इयररिंग्स दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये देने आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें इस समय मेरी जरूरत है। तो उससे लिन कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी इयररिंग्स दो। तभी उसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो बोलती है कि शायद ये मिस्टर सही बोल रहे हैं, हमारे पास मॉडल भी नहीं है और ये तो परफेक्ट मॉडल जैसे लुक लग रहा है। तो लिन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, तो अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि ठीक है इसे ले जा करके मेकअप रूम में रेडी कर दो। फिर उसकी असिस्टेंट बताती है लेकिन अब फीमेल मॉडल का क्या करें हम। तभी वहाँ पे चेनुआन आता है और वो बोलता है कि फीमेल मॉडल मैं अरेंज कर देता हूँ, और फिर वो किसी को फोन करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उस पर टाइम लगेगा।
ये सुनकर के सीजन कहता है कि शूट सेटअप तो पूरा रेडी है, अगर इतना टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मुझे लगता है कि फीमेल मॉडल के लिए जीजी बिल्कुल परफेक्ट है, और वैसे भी अगर कपल की बात करें तो हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं। इसे सुनकर के सेंचुआन परेशान हो जाता है और वो मना करता है, लेकिन उसे परेशान देख करके लिन कहती है कि मुझे लग रहा है कि सीजन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए शूट में। तो सीजन भी कहता है कि अब तो जीजी ने भी हाँ कह दिया है तो हमें रेडी होने के लिए जाने दो। तो सेंचुआन भी वहाँ से बहुत ज़्यादा चिड़के चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन रेडी होकर बाहर आती है। उसे देखते ही उसके टीममेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और आप सच में एक फीमेल मॉडल लग रही हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए लिन अपने टीममेट्स को थैंक यू बोलते हैं, और फिर वो पूछती है कि सीजन रेडी हो गया कि तभी अचानक से सीजन आ जाता है। और कुछ सेकेंड्स के लिए तो लिन उसको देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। कि उसके बाद सीजन उसके करीब आके पूछता है कि जीजी अब तो मैं तुम्हें बच्चा नहीं लग रहा हूँ ना, और अब तो तुम मुझे एक मैन की नज़रों से देख सकती हो। वैसे भी कल रात हमारे बीच जो हुआ तुम्हें मुझे बच्चा नहीं कहना चाहिए। और फिर उन लोगों का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये कपल आउटफिट फोटोशूट होता है तो उन लोगों को थोड़े से इंटीमेट और क्लोज पिक्चर्स देने होते हैं, तो लेने से थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोलती है, लेकिन सीजन इस बात का पूरा फायदा उठा रहा होता है क्योंकि ये कपल शूट होता है। इस पर सीजन कहता है कि ये कपल शूट है और हमें कपल की तरह लगना चाहिए, और वैसे भी कल रात के बाद हम ऑलमोस्ट कपल बन चुके हैं, और क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा डिजाइन किया हुआ कपल आउटफिट मार्केट में धूम मचा दे। तो लेन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फोटोशूट में कपल होने की एक्ट कर रहे हैं, ना कि हम रियल में कोई कपल हैं। और उसके बाद ये फोटोशूट कंटिन्यू होता है, और जिसे देख करके लिन के टीममेट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मैगजीन के लिए परफेक्ट फोटोशूट है और ये मार्केट में बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर यहाँ पे सेंचुआन उनकी फोटोग्राफ देख रहा होता है, और वो फोटोग्राफ को देख करके थोड़ा सा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे होते हैं साथ में। और वो अपने ऑफिस से स्टूडियो की तरफ जाता है, और यहाँ स्टूडियो में हम देखते हैं कि लिन सीजिन से कहती है कि चेंज करके अपना पेचेक ले लो एचआर से। तो सीजिन उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया था। कि तभी वहाँ पर सियनचिन भी आता है, और वो असिस्टेंट से पूछता है कि लिन कहाँ है। और यहाँ पर सीजिन लिन को ट्रायल रूम में अंदर ले आता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उसे देखना नहीं चाहती हो, और फिर वो लिन को चुप करा देता है। यहाँ पे सेचुआन भी उसको ढूंढ रहा होता है। लिन सीजिन के इतना करीब होने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। लिन को ऐसे देखकर सीजिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कल रात की बातें याद आ रही हैं क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज है। लिन उसे कुछ कहने के लिए उसको देखती है, लेकिन उसका एडम्स एप्पल देख करके वो भी कुछ उसे नहीं कह पाती है और अपने से दूर हटा देती है। और जबकि यहाँ हम देखते हैं कि हार्ट बीट तो सीजन की ही बड़ी होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजन मैगजीन के लिए फोटोग्राफ सेलेक्ट कर रही होती है, और वो इन फोटोग्राफ्स को देख के याद करती है और देखती है उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। तो वो खुद सोचती है कि आखिर सीजन को कैसे मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी है। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आ जाती है, और वो कहती है कि मिस लिन आज का फोटोशूट तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है और ये पक्का बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है मैगजीन के लिए। और उसके बाद वो जाते हुए ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो हैंडसम बंदा आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है तो आपको उसे चांस देना चाहिए। तो लेन उससे कहती है कि तुम्हें काम पे ध्यान रखना चाहिए अदरवाइज मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। तो उसकी असिस्टेंट वहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है मिस लेन आपको मेरी बात पे जरूर सोचना चाहिए। तो लेन भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, फिर वापस से अपने काम में लग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि सीजन असिस्टेंट का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे असिस्टेंट आती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने सारी बातें सुनी ली होंगी और मैं जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारा गुड लक है। और फिर इवनिंग में सीजन पार्किंग लॉट में लिन का वेट कर रहा होता है, और वो देखता है कि लिन भी बाहर आ गई है, लेकिन उसके पीछे सेंचुआन भी आ जाता है। तो वो चुप करके उनकी बातें सुनने लगता है, और सेंचुआन लिन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हम इस तरह से अपने 6 साल का रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, चैंग सीसी तो सिर्फ मेरे लिए ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। लिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक किया करती थी क्योंकि उस टाइम पे तुम बहुत मेहनती थे, और लेकिन तुमने गलत रास्ता चूज किया। तुम खुद से भी बन सकते थे डायरेक्टर, लेकिन तुमने चैंग सीसी से अपना अफेयर किया ताकि तुम आगे बढ़ सको। जिस पर सेंचुआन बोलता है कि अगर मैं अपने आप से डायरेक्टर बनूंगा तो तुम्हें पता है कितने साल बीत जाएंगे, शायद 10 या 15 साल, और तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका होगा। लेकिन चैन सीसी की सिर्फ एक सिफारिश ही मेरे लिए काफी है और मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ चुका होगा, और मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ उसके साथ नाटक कर रहा हूँ। ये दुनिया ऐसी है, इसमें हम ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। तो लिन कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने करियर में फोकस करना चाहिए, कह के वो चली जाती है। लेकिन सेंचुआन उसको जाने नहीं देता है और पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं चैन सीसी को भी छोड़ दूंगा, और अगर तुम चाहो तो हम लोग अपना एक खुद का कंपनी खोलेंगे, एक अपना क्लोथिंग ब्रांड। ये सुनते ही लिन उसको चांटा मार देती है, और वो कहती है कि पहले तुमने मुझे धोखा दिया चैन सीसी के साथ होने के लिए, और अब तुम चैन सीसी को धोखा देने की बात कर रहे हो मुझसे। तुम कितने बेशरम और शेमलेस इंसान हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया था, और तुम जैसे इंसान के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेंचुआन उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे अलग होने पे तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगी। तभी वहाँ पे सीजन भी आ जाता है,
और वो कहता है कि तुम क्या कर लोगे। उसे देख के सेंचुआन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिन से कहता है, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। तुम्हारी एज को देखते मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आदमी रखेगा नहीं या प्यार करेगा, तुम्हें एक रिलायबल परफेक्ट पार्टनर देखना चाहिए। तभी वहाँ पे सीचन आके बोलता है कि जीजी को किसी और आदमी के प्यार की जरूरत नहीं है। तो सेंचुआन उससे कहता है कि इसका मतलब क्या है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जिस पर लिन कहती है कि हम ब्रेकअप कर चुके हैं तो तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मेरी जिंदगी में कौन है। तो सेंचुआन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरी जगह इस लड़के को चूज कर रही हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास टाइम है, हम दोनों फिर से आगे बढ़ सकते हैं। तो सीजन भी सामने आते हुए बोलता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम एक डिसेंट मैन की तरह बिहेव करो, अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि अगर तुमने ये बकवास बंद नहीं करी तो बिहेव कैसे करते हैं मुझे सिखाना आता है। और ये कह करके वो लिन को वहां से लेके चला जाता है। लिन भी उसका ये मैनली रूप देखकर इम्प्रेस हो जाती है। और यहाँ पे सेंचुआन तो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि लिन तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इस इंडस्ट्री में बदनाम कर दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन सीजन को ड्रॉप करती है और कहती है कि तुम्हारा घर आ गया है, और उसको वो आज के लिए थैंक यू बोलती है। सीजन भी हेजिटेट करते हुए बोलता है कि अब तुम सिंगल हो तो क्या तुम मेरी। तभी लिन उसको चुप करा देती है और उससे कहती है कि 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद मुझे लगता है कि प्यार मेरे लिए नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे पे अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन सीजन भी जाते हुए रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़के कहता है कि जीजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस रात के बाद तुम मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकती हो और उल्टा तुम्हें तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम्हारे साथ मेरा उस रात फर्स्ट टाइम था और मेरे अंदर कोई भी बुरी आदतें नहीं है, तुम एक बार मुझे कंसिडर करके देखो। लेन उससे कहती है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ और अब तुम्हें चलना चाहिए। ये कहकर वो उसे जाने का इशारा करती है। सीजन भी गाड़ी से बाहर उतर जाता है और उसके बाद लिन चली जाती है। फिर सीजन खुद से ही कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बोलने की, और वो अपने आप को ही डांट लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको ज्यादा नाराज कर दिया है, मेरा मुंह भी शांत नहीं रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको हमेशा के लिए खो दूं। हम नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन की सेक्रेटरी आज की डिनर पार्टी के लिए लिन की ड्रेस रेडी कर रही थी और उसको बोलती है कि कंपनी आपके डिजाइन किए हुए कपल आउटफिट सीरीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, और कहा वो चैनचुआन गुस्सा कर रहा था खामखा, और मुझे लगता है कि आपके इस तरह से लगातार हिट हुए डिजाइन से आप बहुत जल्दी डायरेक्टर भी बन जाओगे। लिन कहती है कि और मुझे लगता है कि तुम्हें काम में ध्यान देना चाहिए। फिर हम इवनिंग में पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन आए हुए कुछ गेस्ट से बात कर रही थी कि तभी वहाँ पे सेंचुआन भी आ जाता है। वो बीच में इंटरफेयर करते हुए बोलता है, वाकई में मिस लिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इन्होंने कपल सीरीज जो डिजाइन की है उससे कंपनी बहुत इम्प्रेस है, लेकिन ये खुद तो सिंगल है और ऑडियंस ये बात समझेगी नहीं क्योंकि कपल सीरीज को डिजाइन करने वाला डिजाइनर खुद तो सिंगल है, तो अगर मिस लिन मेरी असिस्टेंट बन के ही रहती है तो मैं उनको इस क्रिटिसिज्म से बचा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट होते हैं वो भी कहते हैं कि इनकी बात मुझे ठीक लग रही है, हमें मिस लिन को ट्रांसफर करने का प्लान छोड़ देना चाहिए। इसे सुनकर चैनचुआन खुश हो जाता है कि अब लिन का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये सारी बातें सीजन सुन रहा होता है और वो भी अपना वाइन का ग्लास लेके वहाँ पहुँचता है और तेज आवाज में बोलता है कि जीजी हमने अभी तक अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया है तो शायद इनको कन्फ्यूजन हो गई है, और फिर उससे एक्टिंग करने के लिए इशारा करता है। तो लिन भी उसके साथ एक्टिंग करने लगती है और उनको कहती है कि मैं तो आपको मिलाना भूल ही गई, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम सीजन है और कपल आउटफिट भी मैंने इससे इंस्पायर होकर डिजाइन किया था। ये सुनकर के चैनचुआन शॉक हो जाता है और वो गेस्ट तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेडी कहती है कि हमारे डिजाइनर लिन का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है लेकिन ये तो थोड़ा सा यंग लग रहा है, और पूछती है कि तुम लोग मिले कैसे थे। फिर उन दोनों को पुरानी बातें याद आने लगती हैं जहाँ पे वो लोग फर्स्ट टाइम बार में मिले थे, और उसके बाद उसे घर छोड़ के आता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग अपने ऑफिस में मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने फोटो शूट किया होता है। तो लिन कहती है ये तो लव एट फर्स्ट साइट था, जिसे सुनकर के सीजन भी बोलता है कि हाँ ये लव एट फर्स्ट साइट था। तो गेस्ट बोलती है ये तो बहुत रोमांटिक है और अपने मैनेजर से बोलती है कि क्यों ना इस बार का स्लोगन हम यही रख देते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारे कपल थीम से भी मैच करेगा। ये सब देख के सेंचुआन को और गुस्सा आ जाता है और उसका प्लान पूरा फ्लॉप हो जाता है, और फिर मैनेजर सबको टोस्ट करने के लिए कहता है। कंपनी की सक्सेस की वेलविशिंग के लिए सब लोग टोस्ट करते हैं और उसके बाद ड्रिंक करते हैं और उसके बाद सब लोग पार्टी में इधर उधर इंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सीजन लिन को छोड़ ही नहीं रहा होता है, तो लिन कहती है कि बस हो गया एक्टिंग खत्म करो अपनी। सीजन उससे बहुत प्यार से बोलता है कि जीजी तो क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो लिन उससे कहती है कि ठीक है आज की हेल्प के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो सीजन कहता है कि जीजी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ। तो लिन उससे कहती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो सीजन उससे कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बल्कि बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो मुझे प्रूव करने के लिए कि मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ। ये सुनकर के लिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, ये तुम्हारा ट्रायल पीरियड रहेगा। तो सीजन उससे पूछता है कि फिर 1 महीने के बाद। तो लिन उसका जवाब देती है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और ये सुनकर के सीजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजन लिन को घर ड्रॉप करता है और उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो वो भी बोलती है ठीक है बाय, और ये कह के वो चला जाता है। फिर लिन अपने घर के अंदर जा ही रही होती है कि तभी उसको वहां पर सेंचुआन मिल जाता है। सेंचुआन उसे रोक के कहता है कि लिन क्या तुम सच में उस लड़के के साथ हो, वो तो तुम्हारी उम्र से बहुत छोटा है।
और तुम उससे इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। तो लिंग कहती है कि हाँ मैं सच में उसके साथ हूँ। तो जिस पर सैन जुआन को गुस्सा आता है वो बोलता है कि मैं इस ब्रेकअप के अगेंस्ट हूँ क्योंकि मैं हम दोनों के ब्रेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं इस बात को जाने दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी और चैन सीसी की बात को जाने दो तो मैं तुम्हारे और उस लड़के के बीच में जो हुआ है सबको बुला दूंगा और हम लोग फिर से नई शुरुआत कर लेंगे और हम दोनों जैसे पहले थे ठीक वैसे ही हो जाएंगे और हम लोग फिर से खुश हो जाएंगे। तो लेन उससे कहती है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। और वो वहाँ से कह के जाने लगती है, लेकिन सैन जुआन उसको पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगता है कि तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, उसकी रोशनी से वो रुक जाता है और उस गाड़ी से सीजन उतरता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी नजरों के सामने उसका एक्स उसकी गर्लफ्रेंड को एक्सॉल्ट कर रहा होता है और इस बात से उसका खून खौल जाता है और वो बिना सोचे समझे सैन जुआन को मारना शुरू कर देता है और वो सैन जुआन को मारे ही जा रहा होता है। ये सब देख कर के लिन उसे रोकने की कोशिश करती है और उसको बहुत तेज चिल्ला के आवाज देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन उसकी अपने घर में ले जाके बैंडेज करती है और उसकी चोट पे पट्टी लगाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि तुम किसी से भी लड़ने लग जाओ। तो जिस पे सीजन कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से बुली होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर लिन उसको लोशन और तेज से लगाती है। तो सीजन बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो लिन कहती है कि हाँ होना भी चाहिए ताकि तुम्हें पता चले दर्द होता क्या है। लेकिन फिर उसके बाद उसकी चोट में वो फूकने लगती है, तो ये देखकर कि सीजन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और कहता है कि जी जी मुझे लगता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तो ये सुनकर के लिन उसको देखने लगती है और उससे बोलती है कि अगर फूकते हैं तो चोट में दर्द कम होता है, मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। तो सीजन को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि एक बार किस तरह से उसको चोट लग गई थी, तो लिन उसको चोट पे बैंडेज लगा रही होती है और साथ ही वो उसकी चोट पर भी फूक रही होती है और सीजन उसको बहुत ही प्यार से देखे जा रहा होता है। और उसके बाद वो कहती है कि फूकने से चोट में दर्द कम होता है और फिर फ्लैशबैक एंड हो जाता है और अभी भी सीजन लिन को बस देखे जा रहा होता है और उसका प्यार और भी गहरा होता जा रहा था। तो वो लिन से पूछता है कि जी जी तुम अभी भी मुझे बच्चा समझती हो? तो लिन कहती है कि तुम बच्चे नहीं हो तो और क्या हो। तो सीजन कहता है जी जी आधी रात में जब मैं और तुम अकेले हो तो तुम्हें मुझे बच्चा कहने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका अंजाम गलत हो सकता है अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं बच्चा नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो उसके बहुत करीब आ जाता है, करीब आके उससे कहता है कि जी जी आई एम सॉरी। तो लिन उससे पूछती है कि सडनली सॉरी क्यों? तो सीजन कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल किया और उसके लिए भी जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। और फिर उसको किस करने के लिए वो आगे बढ़ता है और वो इस वक्त लिन को टीज कर रहा होता है। फिर लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर के वो सडनली उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर के वो हंस रहा होता है। फिर उसको गुड नाइट बोल करके वो चला जाता है। लिन को भी उसका ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है और वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेस होकर खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन कुछ ड्रेसेस डिजाइन कर रही होती है लेकिन उसका दिमाग तो डिस्ट्रैक्ट होता है और वो सीजन के बारे में ही सोच रही होती है और इस वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही होती है और अपनी बार बार ड्रॉइंग्स को फाड़ के फेंक रही होती है और इसी वजह से वो खुद पे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रही होती है कि तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है। वो जाती है डोर को ओपन करने के लिए तो वो देखती है वहाँ पे सीजन है। सीजन भी उसको हाई करता है और अंदर वो देखता है कि बहुत सारे पेपर्स बाहर बिखरे पड़े हुए हैं और वो समझ जाता है। तो वो लिन से कहता है कि मुझे लगता है कि जीजी को बाहर जाना चाहिए, थोड़ी सी इंस्पिरेशन और फ्रेश माइंड से तुम्हें वापस से काम करने में फोकस होगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और एक दूसरे के ड्रिंक्स को शेयर करते हैं और इस तरह से एक दूसरे के साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। कभी वो झूला झूलते हैं तो कभी वो साथ में कॉटन कैंडीज खाते हैं और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ सीजन इसलिए कर रहा होता है ताकि लिन का मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और वो वापस से जाके अपने काम पर फोकस कर पाए। और इन दोनों की एक तरह से पहली डेट होती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अचानक से यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है तो सीजन भी लिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और ये सब देख करके लिन को भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है तो वो भी उससे थोड़ा सा प्यार करने लगती है। और फिर वो दोनों बारिश के रुकने का वेट करते हैं। कुछ समय बाद जब बारिश रुक जाती है तो सीजन लिन को घर ड्रॉप करने के लिए आता है और इतना सब कुछ होने के बाद लिन के भी मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं। जाने से पहले लिन आज के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है। सीजन भी उसको बाय बोल के जाता है। फिर लिन भी उसको अंदर आने के लिए बोलती है। ये सुनकर के सीजन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए अंदर पहुंच जाता है। फिर हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सीजन फिर से लिन की बहुत ज्यादा केयर करता है और उसका मेकअप और सब चीजें वॉश करता है। लिन भी बहुत अच्छे से इस पैम्पर को एंजॉय कर रही होती है। सीजन लिन से कहता है कि तुम भले उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी हो लेकिन तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम्हारा ख्याल रखना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर तभी लिन सीजन से पूछती है कि तुम लड़कियों को इतने अच्छे से पैम्पर करते हो, कितनी गर्लफ्रेंड रही है तुम्हारी? तो सीजन उससे कहता है कि तुम पहली हो। तो लिन उससे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे में क्या अच्छा लगता है? तो इसका जवाब सीजन बड़े प्यार से देता है कि मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, तुम्हारी नाक अच्छी लगती है, तुम्हारे ओट अच्छे लगते हैं, तुम्हारी नेक अच्छी लगती है और मुझे नीचे भी। तभी सीन उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है मरना नहीं चाहते हो तो नीचे मत जाना। लेकिन सीजन पलट के उसी का ही हाथ दीवार से लगा देता है और उसके बहुत करीब आ जाता है और वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है
और उसकी माँ की आवाज़ आती है, तो लिन घबरा जाती है। तीजिन भी चौंक जाता है कि तुम्हारी माँ अचानक से कैसे आ गई। तो लिन उसको छुपाने की जगह ढूंढने लगती है घबराहट में। तीजिन को छुपाने के बाद लिन जाके गेट खोलती है और कहती है माँ अचानक से कैसे। तो उसकी माँ से गुस्सा करती है, इतना टाइम कौन लगा था गेट खोलने में। और उसके बाद वो दोनों माँ बेटी बातें करने लगते हैं और तीजिन यहाँ पे पर्दे के पीछे छुपा होता है और उसकी माँ से बोलती है कि मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुमने सेंजुआन से ब्रेकअप कर लिया है। तो लिन कहती है कि माँ वो मुझे चीट कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है कि लड़के तो भाग जाते हैं, तुम्हें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। तो लिन समझाती है कि माँ मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ। उसकी माँ समझाती है कि बेटा तुम्हें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वैसे भी शादी की उम्र हो चुकी है, तुम इस उम्र में ब्रेकअप करोगे तो तुम्हें दूसरा लड़का कहाँ मिलेगा। तो लिन भी कहती है मैं सेंजुआन के साथ वापस नहीं जाऊंगी। इस बात से उसकी माँ नाराज हो जाती है और ये सारी बातें सिंजिन भी सुन रहा होता है, उसको भी बुरा लग रहा होता है। लिन फिर से अपनी माँ से कहती है कि आप भूल जाइए कि मैं सेंचुअन से फिर से रिलेशनशिप रखूंगी, मुझे दुनिया क्या सोचेगी इसका डर नहीं है। तो उसकी माँ कहती है तुम लोगों की शादी होने वाली थी और तुम इस तरह से अचानक से ब्रेकअप करोगी तो मैं सारे रिश्तेदारों को क्या बोलूंगी। और सिंजिन भी यहाँ पे सारी बातें सुन रहा होता है। लिन कहती है कि रिश्तेदारों से मैं डील कर लूंगी माँ, आप परेशान मत हो। लेकिन उसकी माँ तो उस पर प्रेशर बना रही होती है कि तुम्हें सेंचुअन के साथ वापस हो जाना चाहिए और तुम लोगों की शादी जिस डेट में थी उसी डेट में करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और तुम्हें अचानक से कोई लड़का कहाँ से मिलेगा। और ये सारी बातें सुनकर के सीजन से भी रहा नहीं जाता है और वो बाहर आ जाता है और वो उसकी माँ से ग्रीट करता है। तो उसकी माँ उसको देख करके चौंक जाती है और वो लिन से कहती है कि तुमने आधी रात में एक लड़के को अंदर किया हुआ है। तभी वहाँ पे लिन उसको दूसरे कमरे में लेके आती है और सीजन को डांटती है कि तुम बाहर क्यों आए। तो सीजन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ उस सेंचुरी की तरफ वापस जाने को बोल रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो लिन कहती है कि मैं अपनी माँ को संभाल रही थी, तुम अंदर रहो। लेकिन सीजन उसे वापस से खींच लेता है और बहुत प्यार से कहता है कि जीजी तुम्हें अकेले कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसे फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उसके ऊपर हाथ रख देती है और कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। और फिर डोर बंद करके वो अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिन की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अभी कुछ ही समय हुआ है ब्रेकअप किए हुए और तुम एक लड़के के साथ रहने लगी, ये चीज़ सही नहीं है। तो लिन कहती है कि माँ बस करिए, आप कल रात से बस एक ही रट लगाई हुई है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम दोनों साथ नहीं रहते हैं, वो सिर्फ कल मुझसे मिलने आया था। फिर उसकी माँ कहती है आखिर तुमने पता किया इस लड़के के बारे में, ये कौन है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं और ये किस फैमिली का है, और साथ में ये एज में भी तुमसे छोटा लगता है, तो तुम्हें उसके बारे में एक बार पता करना चाहिए। मुझे तो इस लड़के पे डाउट होता है क्योंकि इस तरह का छोटी उम्र का लड़का किसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ अफेयर क्यों रखेगा, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, आखिर समाज में हमारी इज्जत है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तभी लिन बात चेंज करने के लिए बोलती है माँ मुझे लगता है आपको भूख लगी होगी तो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। और तभी वहाँ पे डोर बेल होती है, उसकी माँ डोर खोलने जाती है। डोर खोलने के बाद उसकी माँ देखती है कि वहाँ पे सीजन आया हुआ है और काफी सारा खाने के लिए चीजें लेकर आया है। ये देख करके लिन भी शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो सीजन कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी सासू माँ को पटाने आया हूँ और उनको ये दिखाने आया हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ, उनकी बेटी का मैं ख्याल रख सकता हूँ। और उसके बाद फिर सीजन अपने हाथों से कई सारी डिशें बनाता है और वो जाके उसकी मदर के सामने रखता है। इतने सारे आइटम्स देख करके उसकी मदर इंप्रेस हो जाती है। फिर वो सीजन से पूछती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये सब भी आता है। तो सीजन कहता है कि मैंने अपने डैड से सीखा है। फिर वो उसकी माँ के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि माँ तो मेरी बिजी होती है काम पे तो इसलिए डैड हमेशा घर में हेल्प करते हैं। उनका मानना है कि जब मेरी माँ थक के घर पर आए तो उनको एक अच्छा घर और अच्छा खाना मिले जहाँ वो आराम से रिलैक्स कर सके। इसके बाद लिन की मॉम लिन से अपने लिए पानी मंगाती है। तो लिन पानी लेने के लिए उठती है और जाते हुए वो मॉम से कहती है कि मॉम प्लीज पूछताछ बंद करिए और खाना खाइए नहीं तो सीजन को बुरा लगेगा। फिर वो सीजन से पूछती है कि तुम लिन को कब से जानते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जाने पहचाने हो। पर सीजन कहता है कि मेरी एज भले कम हो लेकिन मैं लिन को बहुत सालों से प्यार करता आ रहा हूँ और मैं लिन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर लिन की माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तो सीजन उनके पास जाकर उनके कानों में अपनी पहचान बताता है जिसे सुनकर लिन की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे तुम तो, लेकिन उन्हें सीजन चुप करा देता है। वो कहता है कि मैंने अभी तक लिन को नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लाइक करे, उसके बाद मैं उसको रियलिटी बताऊंगा। तो लिन की माँ भी खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लिन तुम्हें लाइक करेगी। और तभी लिन चौंक जाती है कि ये लोग अचानक से इतने अच्छे से बात करने कैसे लगे। तो अपनी माँ से पूछती है, उसकी माँ बोलती है कि जल्दी यहाँ पर आओ, खाना बहुत अच्छा बना है। और फिर वो लिन से कहती है कि आज रात मैं यहाँ पे रुक रही हूँ तो मैं छोटे वाले कमरे में सो जाऊंगी। और सीजन से कहती है कि तुम भी आज रात रुक जाओ, मुझे कल सुबह एयरपोर्ट छोड़ देना। और लिन भी अपनी माँ को कंफ्यूज होकर देख रही होती है कि इन्हें हुआ क्या है। फिर तभी वो कहती है कि रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं, और ये कहकर वो चली जाती है। और लिन कहती है अभी तो सिर्फ शाम के 5 बज रहे हैं, रात कैसे हो गई। तो सीजन भी कहता है कि हाँ रात बहुत ज्यादा हो गई, हमें सो जाना चाहिए। तो लिन भी उसे घूरते हुए देखती है। फिर हम नेक्स्ट सीन लिन के रूम का देखते हैं जहाँ पे वो सीजन से पूछती है कि तुमने माँ से ऐसा क्या कहा है कि वो इम्प्रेस हो गई है। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने इतना कहा है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो लिन कहती है लेकिन मुझे यकीन नहीं है, तुमने जरूर कुछ और कहा है। उसके बाद कहती है कि तुम यहाँ पर फ्लोर पे सो गए, मेरे बेड पे नहीं। तो सीजन भी वहाँ पे उसको किस करके जाता है छोने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन अपने ऑफिस के लिए रेडी होती है, वहाँ पे सीजन भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को फिर गुड मॉर्निंग विश करते हैं।
तीजिन लिन से पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो लिन कहती है कि मैं हमारे बारे में ही सोच रही थी, मैं डिजाइनर हो, तुम एक पेट डॉक्टर हो, हम दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग है, ऐसे में हम दोनों का साथ मुश्किल हो सकता है, तुम क्या जिंदगी भर इस तरह से मुझसे प्यार कर पाओगे। तो सीजिन उसको रेडी करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी इनर क्वालिटीज पसंद है, तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा प्योर हार्ट और काइंड नेचर, जो कि दुनिया में तुम्हें सबसे अलग बनाता है, मुझे ये सब चीजें पसंद है। तो लिन कहती है कि तुमने सुबह सुबह ही मुझे बटरिंग करना शुरू कर दिया। तो सीजिन उससे कहता है कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी प्रिंसेस के बारे में सच्चाई बता रहा हूँ, जिस रीजन से मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो उसकी गाल पकड़ लेता है, तो लिन भी उसकी गाल पकड़ के उसको छेड़ने लगती है। और फिर तभी वो कहती है कि मुझे मेरे डिजाइन की इंस्पिरेशन मिल गई। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन फटाफट अपने डिजाइन और प्रोजेक्ट में लग जाती है। वो डिजाइन बनाने के साथ साथ सीजिन का भी मेजरमेंट लेती है, क्योंकि वो उसी के लिए आउटफिट रेडी कर रही थी। ये देख के सीजिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जीजी का डॉल हूँ जो कि मुझे रेडी कर रही है। तो लिन कहती है कि तुम मेरी डॉल नहीं हो, बल्कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, जो कि मुझे इंस्पायर कर रही है ये ड्रेस डिजाइन करने में, और मुझे लगता है कि आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो उसके बाद वो उसको कपड़ा देती है उसको ड्रेसअप करने के लिए, लेकिन सीजिन के मन में तो शरारत सूझती है और वो कपड़ा लेके उसको हवा में उड़ा देता है, और फिर लिन को अपने पास कर लेता है और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग इस समय एक रोमांटिक मोमेंट को स्पेंड करते हैं। सीजिन बहुत ही पैशनेटली लिन को किस करता है, कि जैसे वो किस करके उसमें अपना मार्क बना रहा हो और उसको हमेशा के लिए अपना बना रहा हो। लिन भी रोमांटिक होकर उसका पूरा साथ देने लगती है, और इस तरह से इन दोनों का एक किस होता है यहाँ पर। इसके बाद लिन रेडी होकर ऑफिस पहुंचती है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन के कलीग्स आके उससे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि लिन को अपने कपल आउटफिट डिजाइन सीरीज के लिए बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिला था, और आज शाम को उसी की पार्टी थी, तो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि हमें भी पार्टी चाहिए अलग से। तो लिन भी मान जाती है, वो कहती है ठीक है, ऑफिस की पार्टी के बाद हम लोग अपनी पर्सनल पार्टी करेंगे। तो सभी वहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं, कि तभी वहाँ पे सेंचुआन आता है और वो लिन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। हम देखते हैं कि लिन सेंचुआन के ऑफिस में पहुंचती है और पूछती है कि मिस्टर सेन बताइए आपको क्या कहना है। सेन फिर से अपनी वही पुरानी बात लेके बैठ जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूँ, और वो लिन को मनाने की पूरी कोशिश करता है। तो वो लिन से कहता है कि तुम अगर कहोगी तो मैं चैन सीसी को भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अब तो मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन लिन कहती है कि मिस्टर सेन अगर कोई काम की बात नहीं करनी है तो मैं जाती हूँ। लेकिन फिर से सेन उसको बोलता है कि चैन सीसी मेरी मजबूरी थी, ना कि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन लिन उसको इग्नोर करके चली जाती है और वो पीछे से चिल्लाता रह जाता है। और ये सारी चीजें ऑफिस के मौजूद कलीग्स भी सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि आज तो प्रेसिडेंट की खैर नहीं, और कि तभी वहाँ पे चैन सीसी आ जाती है और वो उनकी बातें सुन चुकी होती है। तो वो सेन चुआन पे बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी फियांसे थी और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखे में रख के रिलेशनशिप रखा। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और लिन को ये सब सुन करके बहुत मजा आता है। और फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं अवार्ड शो का, जहाँ पे लिन की एंट्री होती है और लिन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है, और उसको स्टेज पे अवार्ड के लिए बुलाया जाता है और उसको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर लिन सबके सामने अपनी स्पीच देती है। वो स्पीच दे ही रही होती है कि तभी वहाँ पे सेंचुआन आ जाता है और सबके सामने उस पे आरोप लगाता है कि तुमने मेरे काम को चोरी किया है, तुम्हारी सारी डिजाइन मेरे डिजाइन से चोरी की गई है। फिर वो अपने डिजाइन की मैनुस्क्रिप्ट देता है और वो बोलता है कि ये डिजाइन मेरी है, तुमने इनसे चोरी करके यहाँ पे कॉम्पिटिशन में सबमिट किया था। तो लिन भी कहती है कि सेंचुआन तुम इस लेवल तक गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर ऑर्गेनाइजर्स डिजाइंस वेरीफाई करने लग जाते हैं। वो डिजाइंस चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये डिजाइंस तो वो है ही नहीं जो कि मिस लिन ने सबमिट की थी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये डिजाइंस तो लिन लैन के डिजाइन से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने चीटिंग की है। फिर लिन कहती है कि मैं आप लोगों को अपनी इंस्पिरेशन से मिलाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये डिजाइंस किया था। फिर वो वहाँ पे सीचिन को बुलाती है, सीचिन भी वहाँ पे जाता है स्टेज पे और सबके सामने रोल अप होके दिखाता है, क्योंकि सीचिन से ही इंस्पायर होकर उसने डिजाइंस बनाई थी। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन इंस्पायर होकर के अपने आउटफिट्स को डिजाइन कर रही थी। वो वहाँ पे सीजन से बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं पुराने डिजाइंस को हटा करके पूरी तरह से नए डिजाइंस बनाती हूँ और वो तुमसे इंस्पायर्ड है। तो सीजन कहता है जी जी क्या मैं इसे तुम्हारा लव गिफ्ट समझूं। तो लिन कहती है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हारा लव गिफ्ट तो मैं हूँ। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे चैनचुआन के पास तो कुछ बचता नहीं है, तो वो उसके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशंस और आरोप लगाने लगता है और सिक्योरिटी वहाँ से उसे ले जाता है। और फिर अवार्ड शो को वापस से रिज्यूम किया जाता है और फिर से वो फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे लिन को अवार्ड दिया जाता है, और लिन अवार्ड पाके सबको थैंक यू बोलती है और अपनी स्पीच देती है। वो स्पीच में बोलती है कि मैंने ये थीम कपल आउटफिट एक लव पे बेस पे डिजाइन की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको अपना प्यार मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, और फिर वो दुनिया में खुशियाँ नहीं ढूंढते बल्कि उनको अपने अंदर ही खुशियाँ मिल जाती हैं। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है जो कि मुझसे सच्चा प्यार करता है, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और आज का ये अवार्ड मैं अपने प्यार को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ दुनिया में सभी को अपना प्यार मिले, और सबको ऑल द बेस्ट बोलती है। सीजन भी उसको दूर से थम्स अप दिखाता है और उसको मोटिवेट करता है। और फिर हम बात का सीन देखते हैं जहाँ पे सीजन और लिन एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं, और फिर तभी उससे लिन पूछती है कि मैं आज भी क्यूरियस हूँ कि तुमने ऐसा माँ से क्या कहा कि वो तुम्हारे साइड ही हो गई। तो सीजिन हंसते हुए कहता है कि जीजी तुम्हें याद है वो लड़का जिसको तुमने एक बार बचाया था कॉलेज के लड़कों से, वो बहुत डरा हुआ था और तुमने आके उसकी मदद की थी।
और फिर सीजिन उसको पास का सीन याद दिलाता है जहाँ पे एक कॉलेज के लड़के को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और उसको बुली कर रहे होते हैं और उस लड़के को काफी चोटें आ जाती हैं और ये सब चीजें लिन देख रही होती है। तो वहाँ पे वो चिल्ला के कहती है कि पुलिस अंकल देखिए यहाँ पे ये लड़के लोग कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये सुन के सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर लिन उस डरे हुए लड़के के पास भाग कर आती है और उसको बहुत ही प्यार से काम डाउन करने में उसकी हेल्प करती है। पहले तो वो उसको जमीन से उठाती है और उसको उठने में मदद करती है और फिर उसको जमीन पे वहीं पे बैठा करके उसकी चोटें देखने लगती है और फिर अपने बैग से कुछ निकालती है टिश्यू और उसकी चोटों को साफ करना शुरू करती है। और सीजिन भी बिल्कुल डरा हुआ सा होकर के उसको बस देखे जा रहा था और उसकी चोट में जलन भी होती है, तो उसकी चोट को वो फूंक मारती है। और जब सीजिन उसको देखता है तो वो उससे बोलती है कि चोट में जलन होती है जब तो हम फूंक मारते हैं तो वो थोड़ा सा रिलीफ करती है और ऐसे हमें दर्द कम होता है। और उस दिन से ही सीजिन लिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। पास्ट की मेमोरीज को याद करने के बाद लिन तो चौंक जाती है और वो पूछती है तुम तब से मुझसे प्यार कर रहे हो, तो सीजिन भी थोड़ा शाई होते हुए हाँ बोलता है और वो कहता है कि जी ये मेरा प्यार बहुत पुराना है, उस इंसिडेंट के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा हाल में कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और फिर मुझे वजह मिल गई तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की और अब मैं तुमको खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर लिन पूछती है इसका मतलब है कि तुम बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे थे, तो सीजिन को हंसी आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर लिन पूछती है कि एक बात बताना, उस रात हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, तुम झूठ बोल रहे थे ना, जिसको सुनकर सीजिन के पास कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो लिन उसको एक पंच करती है और फिर सीन उसको हंसते हुए गोद में उठा लेता है और लिन से कहता है कि जीजी अब तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी तो मेरे साथ ही बीतने वाली है क्योंकि अब मैं तुमको कहीं भी जाने देने वाला नहीं हूँ और तुम मेरे साथ ही हमेशा रहोगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का एक रोमांटिक सा किस होता है और यहाँ पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। साथ ही आगे की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।